ये 31 वर्षीय महिला हैं, वजन है इनका 90 किलो, लंबाई 5 फुट। और उस वजन के कारण हुआ क्या है, इनकी जो कार्टिलेज है यहाँ वाली टोटल ख़त्म हो गई है मिडल साइड की, और ये थाई की जो हड्डी है ऊपर उसका ऊपर का हिस्सा नीचे वाली हड्डी के अंदर करीब 4-5 mm अंदर घुस गया है। अगर मैं उस एक्सरे को कहूँ लगा करके और उस पर एज के ऊपर स्टिकर लगा दूँ तो कोई भी हड्डी का डॉक्टर उस एक्सरे को 60-70-80 साल की महिला का एक्सरे ही बताएगा। और वजन के कारण हड्डी गायब हो गई है और वहाँ पर फैट घुस गई है तो पूरी हड्डी काली हो गई है सफ़ेद की जगह। सीवर ऑस्टियोपोरोसिस ओवरवेट दो वजहों से, क्योंकि इस महिला को ढेर साले चावल खाने की आदत है। अब जब ये मेरे पास आई थी तो यहाँ पर 10 अंगुल का गैप था और अभी ये 4 अंगुल तो ये और दो अंगुल, करीब 6 अंगुल का गैप अभी है। इन्होंने पिछले 1.25 महीने के अंदर इसको करीब करीब 2-3 अंगुल का गैप कम कर लिया है। वजन कितना कम हो गया आपका? 8 किलो वजन कम कर लिया इन्होंने। डाइट चार्ट पूरा फॉलो कर रही हैं? हाँ जी कर रही हैं। अब ये जो दिक्कत कर रहा है इनको, दूसरे इनके अंदर टिबिया वगैरह भी है, ये टांग ऐसी टेढ़ी हो रही है, तो इसको कवर करने के लिए हमने इनको एक नीवेल दी हुई है। और अब इस पूरे कर्वेचर के लिए नी जॉइंट पर जो अंदर हड्डी एक दूसरे में घुसी पड़ी है उसको आप एक्सरे लाएंगे आज? आप एक्सरे लाएंगे आज? आप आज एक्सरे नहीं लाए हैं, आज 1.25 महीने बाद दिखाने आई हैं। तो उछल रही थी कि मेरा तो 8 किलो वजन कम हो गया। ठीक है, इनके लिए आज मैंने ब्रश मंगाई है, ये पैरागॉन कंपनी की ब्रश है और ये इनके लिए अब इसको चलने के लिए ये शूट करेगी। अब ज़रा देखें ब्रश की क्वालिटी, ये ब्रश इस पैर के लिए है, इसके कर्वेचर को ये बाहर की साइड में ऐसे करके ले जाएगी जबकि इनका कर्वेचर इस तरह से है। तो ये ब्रश इस वाले पैर में बांधी जाएगी इस तरह से, और ये जो ब्रश है ये देखिए ये इस वाले पैर पर बांधी जाएगी, तो ये इस पैर को बाहर की तरफ ले जाएगी। देख रहे हैं आप कि ये जो निचला वाला पोर्शन है इस टिबिया को लेग को इस साइड में ले जाएगी। ये 3 पॉइंट प्रेशर क्रिएट करेगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, ये जो मल्टीफोकल जॉइंट है ये ठीक यहाँ नी के सेंटर पर आएगा और ये टांग इस तरह से जाके इसके नीचे इस तरह से चली जाएगी। तो दोनों चलते समय इसको सीधा इस गैप को खोलेंगी, जो हड्डी एक दूसरे से घुसी पड़ी है वो टकराएंगी नहीं, तो इनको चलने में दर्द नहीं होगा। ये ब्रेस बहुत अच्छी है और करीब मेरे 500 या 800 मरीज इस ब्रेस को यूज़ कर रहे हैं और सभी इसकी तारीफ करते हैं। अगर इस ब्रेस को मैं जी, ये एक विदेशी ब्रेस की नकल है और वो विदेशी ब्रेस एक पैर की 75,000 रुपये की है, तो 1.5 लाख रुपये की ब्रेस है जिसकी हूबहू नकल है। ठीक है, और ये है शायद अभी तक तो 16,000 रुपये की थी, अब ये 20,000 रुपये की कॉस्ट हो गई है इसकी। तो 20,000 रुपये की ब्रेस और जो विदेशी है वो ब्रेस पड़ेगी आपको 1.5 लाख की, लेकिन जो विदेशी ब्रेस इतनी हल्की फुल्की है छुई हुई टाइप की, जब मरीज पहनता है तो वो खुद ही टेढ़ी हो जाती है, जो खुद टेढ़ी हो जाएगी वो किसी को क्या सुधारेगी। तो ये ब्रेस मैं इनको आज इनको पहनाऊंगा, इनको शूट कर गई है पहन जाएंगी। अब फिर भी एक प्रॉब्लम आएगी इनके, जिस समय ब्रेस नहीं पहने हैं सो रही हैं उस समय इनको मैं बेल्ट यहाँ पे और लगाऊंगा। ये जो टिबिया ये तो जीनू वायरस के लिए हो जाएगी, लेकिन जो टिबिया वह रहा है इसको कर्वेचर को करेक्ट करने के लिए मैं 2 बेल्ट इनको, एक 3 बेल्ट का सेट मैंने डिजाइन किया है, तो वो बेल्ट इनको दूंगा। एक बेल्ट यहाँ, यहाँ पे एक बेल्ट और यहाँ बेल्ट और ट्रैक्शन, इस तरह से 3 पॉइंट प्रेशर टेक्निक इन पर अप्लाई करने से ये इनका टिबिया वगैरह भी ठीक होगा और इनका जीनू वायरस भी ठीक होगा। वजन ये कम कर ही रही हैं, 8 किलो कम कर लिया है, तो 8 किलो 90 किलो में 8 किलो कितना हो करीब 82 kg हो गया आपका वजन मोटा मोटा, तो हो जाएगा आराम से कुछ दिन, अगले 6 महीने के अंदर आप 50 किलो पा जाएंगे, 50-60 किलो पा जाएंगे। तो जो ऊपर से लोड पड़ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और जो डिफॉर्मिटी आ गई वो करेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, पर आप चावल को ज़िंदगी से निकाल दीजिएगा। ठीक, और कुछ बताएंगे आप लोगों को, आप खाने में क्या क्या चेंज किया आपने? मैं आपका चेहरा नहीं आने दूंगा, अपनी आवाज़ बोल दीजिए, चलिए फटाफट बैठ जाइए, मैं आपका चेहरा नहीं आने दूंगा। चलिए, और क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? की डाइट से मेरा पेट भी काफी ठीक हुआ है। पेट ठीक हो गया? हाँ, पेट में क्या क्या ठीक हुआ है? जो भी खाना खाती थी मैं, खाते के साथ ही मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। हाँ। अब मैं जो खा रही हूँ वो मेरे पेट में ही रहता है। पेट में रहता है? हाँ जी। अच्छा, कोई कमजोरी तो नहीं खाना खाने? नहीं नहीं, कोई कमजोरी। डाइट चार्ट पूरा फॉलो कर रही है? हाँ जी, 101%। हाँ जी, ठीक है। तो 8 किलो वजन कम हो गया? हाँ जी, हाँ जी। जो हर समय दर्द होता था वो कम हो गया? हाँ जी, वो कम हो गया, दो चीज फायदा हो गया। हाँ जी।
जब आप आई थी तो हिलती डुलती चलती थी। हाँ जी, मेरी चाल में सुधार आ गया। शराबी हाथी की तरह, मदमस्त हाथी की तरह से, और अब मेरी चाल में बहुत चाल में सुधार आ गया। ठीक है, तो वो अब सुधार बढ़ता जाएगा। पहली चीज आपने 8 किलो वजन, 8 किलो का हो गया, 8 में करो 10 का गुणा, 80 किलो लोड इस पे कम हो गया। हाँ जी, ठीक है ना। और हमें करना 300 किलो कम, 30 किलो वजन कम करना है आपका। हाँ जी, ठीक है, बल्कि ज़्यादा 35 किलो वजन कम करना है आपका, 55 किलो लाने के लिए। कोई चिंता मत करिए, हो जाएगा। 6 महीने लगेंगे, ऐसे चलते रहिएगा। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हिम्मत ना हारें। इन्होंने 90 किलो पे 8 किलो वजन कम किया सवा महीने में, सवा ही महीने हुआ है ना। हाँ जी। किस तारीख को आप आई थी? 27 सितंबर। 27 सितंबर, आज कितनी तारीख है? आज 31 31 अक्टूबर 2019। हाँ जी, ठीक है, महीने का अंत्यास। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो आप करें, आप जूते में भी सोल इन्होंने लगवा ली, देखिए ये इनके जूते हैं, जूते के अंदर भी इन्होंने सोल लगवा लिया है। ये सोल बाहर की तरफ लगता है, देखिए, ईमानदार लेडी है, ऐसे तो मानना पड़ेगा। जब चावल खाए थे, अब तो नहीं खा रही ना? जी नहीं, अब नहीं खा रही। देखो, रोटी भी नहीं खा रही, अंकुर तनाज खा रही है, हैं? मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये सोल भी इन्होंने लगवा लिए हैं, ये भी 3 पॉइंट प्रेशर, यहाँ प्रेशर कम करते हैं नी जॉइंट के ऊपर। ये ब्रेस भी आज ही ले जा रही हैं पैरागॉन की, वो बेल्ट मैं इनको और दे दूंगा, ठीक है। डाइट चार कर रही हैं, एक्सरसाइज आप कर रही हैं लगातार? हाँ जी, हाँ जी। कोई एक्सरसाइज से कमजोरी आ रही है आपको? नहीं नहीं, कोई कमजोरी, कोई कमजोरी नहीं, कोई कमजोरी नहीं आ रही। मैंने एयर बैग भी ले लिया, मैं घर पे एयर बैग ले लिया। हाँ जी। स्टूल भी ले लिया? हाँ जी, एयर बैग स्टूल ले लिया। हाँ जी, वेरी गुड। तो क्या आप चाहेंगी आपका चेहरा आए इस पे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, जब मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगी तब चेहरा आएगा आपका। हाँ जी, चलिए ठीक है। आपका दिल्ली में रहती है? हाँ जी। कितना किलोमीटर दूर हमारे क्लिनिक से? 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे यहाँ तक आने में लगते हैं? हाँ जी। और जाने में 3 घंटे? जी। आधा दिन तो अजीब हो गया। हाँ जी। चलो चलो, कोई बात नहीं, पर रिजल्ट तो आ रहा है। हाँ जी। एक बात और बता दीजिए, मेरे पास आने से पहले आप कितने डॉक्टरों पे घूमी थी और क्या बताया था उन्होंने? मैं मतलब करीबन 25-30 डॉक्टरों के पास जा चुकी हूँ, सब ने मुझे जाते ही ऑपरेशन बता दिया था। पहली बार 31 साल की उम्र में ऑपरेशन? हाँ जी। फिर बाकी जिंदगी क्या करती हैं आप? इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो ऑपरेशन में ऑपरेशन में क्या क्या घुटना बदलना? हाँ जी, घुटना बदलने का पता, ऑपरेशन क्या होता है? ये होता है, ये बदलने के लिए बोल दिया था आपको? हाँ जी, हड्डी काट के सीधी करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं अब आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। जो हड्डी जो टेढ़ी आपकी जो दिख रही ना? हाँ जी। ये 6 महीने में ठीक हो जाएगी जी, मैं इसकी बेल्ट रख दूंगा, आज से इसको यूज करिए जी, ठीक है जी। डन जी डॉक्टर। तो आपने दो ढाई अंगुल तो कम कर ही लिया है सवा महीने के अंदर, 6 महीने मिल जाएंगे दोनों जी डॉक्टर। नहीं, एक लेडी आई थी जो डॉक्टर की वाइफ थी, एमडी डॉक्टर की, वो आज 1.5 साल बाद दिखाने आई थी। हाँ जी, उसका भी 10 अंगुल का गैप था, वो 0 गैप दिखा के गई। वीडियो देखी आपने? हाँ जी, हाँ जी देखी। तो भाई उसका विश्वास कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आप पहले दिन से विश्वास है मुझे, विश्वास है। चलिए, मैं डॉक्टर सुभाष सेल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली, नियर अपोलो हॉस्पिटल, एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट फोर्टिस हॉस्पिटल, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9801012433, लैंडलाइन 011424300006।